साइलेंसर फिट किया मेरे साइकिल में। आज मोदी आ रहा है, अच्छा चलो इधर पिकनिक करते हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं अशिम और आप सबको स्वागत करता हूं अगेन मेरे यूट्यूब चैनल बे ठिकाना में। तो गाइस फिलहाल मैं हूं मनाली रोड का तरफ और इस तरफ है शिमला का रोड और शिमला से नीचे आ गया और अभी जा रहा हूं मनाली का तरफ। गाड़ी को जाने दीजिए। जैसे कि आप सब ने कमेंट किया कि भाई आप डेली ब्लॉग अपलोड करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेम रोड सब कुछ ही सेम है, मैं चाहता हूँ कि अभी आगे थोड़ा थोड़ा आगे जाके फिर थोड़ा सा थोड़ा क्लिप लूंगा और फिर एडिट करके दिखा दूंगा। तो गाइस आज पिकनिक करने के लिए बहुत ही शानदार जगह मिल गया, बहुत ही सुंदर जगह मिल गया, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह मिल गया, बहुत ही वंडरफुल जगह मिल गया। सोचा चलो इधर पिकनिक करते और आगे निकलते कि ज़्यादा भूख भी लग गया है। तो भाई साहब अभी क्या बना रहे पता नहीं मेरे को, क्योंकि सुबह से साइकिलिंग कर रहा हूँ, 4 बजे साइकिलिंग स्टार्ट किया और अभी 12 बज गए, लगभग 35 किलोमीटर कवर कर लिया। तो पिकनिक तो रोज ही करता हूँ, लेकिन रोज क्या है ना अलग अलग जगह पे जाते हैं और अलग अलग लोकेशन में पिकनिक करता हूँ। लेकिन आज का लोकेशन में पिकनिक करने के लिए बहुत ही सही है, आगे पानी भी मिल गया है, इसीलिए सोचा चलो आज पिकनिक करते इधर और आगे निकलते। तो गाइस इधर साइकिल लगा दिया और सामने है मंदिर और आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मंदिर और साइकिल क्यों दिखा रहा हूँ। भाई रुक जाओ, सबसे पहले तो सीटी दिया है भाई कुकर ने, ये देखिए। बॉस पेट शांति जगत शांति, खा लिया भाई, ये भाई धीरे धीरे खा रहा है, चलो खाओ। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं बास दिखा रहा हूँ कि मैं पागल हो गया ना? मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक्चुअली बास इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो बास जा रहा है ना बहुत दूर दूर से, ये बस एक्चुअली शिमला जा रहा है कैपिटल में, क्योंकि आज मोदी आ रहा है शिमला में और मोदी जी को देखने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं और हम शिमला से नीचे आ गए, क्योंकि भाई ऊपर रहने के लिए अभी थोड़ा सा भी ज्यादा मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं है रहने के लिए। क्योंकि साइलेंसर फिट किया मेरे साइकिल में, ये देखो। तो गाइस मोर देन 15 किलोमीटर कवर किया और अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पेंथर है और वो इधर रेस्ट कर रहे हैं। और सीरियसली गाइस अगर साइकिलिंग कर रहे हैं ना तो सबसे ज़्यादा पानी कैरी कीजिए, पानी इसलिए कैरी कीजिए क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो पानी का बहुत ज़रूरी है, तो पानी रखना चाहिए। मेरे पास तो एक ही फिलहाल बोतल है, तो मैं आगे जाके और एक ले लूँगा। तो भैया मैं तो बाल बाल बच गए क्योंकि मेरा जो साइकिल का ब्रेक है ना भाई टूट गए है और ब्रेक नहीं लग रहा है, तो नीचे आया कैसे भी करके और आके बस मैं ठीक कर रहा था। और उसी टाइम सब सार मतलब आप लोग तो लद्दाख जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं एंजॉय करते रहे। हम लोगों को एक भाई रास्ते में मिल गया तो इसके साथ ही हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। भाई ऑल इंडिया टूर घूम रहा है, भाई की हिम्मत बहुत तेज है। और भाई का आप लोग जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर लाइक और सब्सक्राइब छोड़िए, लेकिन आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे। जय हिंद, चले सर, भारत माता की जय। अभी जाके मैं मेरा जो ब्रेक है थोड़ा सा कैसे भी करके ठीक किया और मेरा हाथ का हालत देखिए आप लोग, गंदा हो चुका है। तो बस अभी धीरे धीरे आगे निकल जाऊंगा। मिस्टर चंपक उठिए,
तो चले आप भी चलिए, और अभी स्टे ढूंढ रहे हो या भी यहाँ स्टे कर लूंगा और आगे नहीं जाऊंगा, और देखते कल सुबह का क्या प्लानिंग होता है, क्योंकि मेरे को आज फुल रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना। हाँ जी सर, ऑल इंडिया टूर। हाँ सर, कहाँ से आए सर आप? एक्चुअली सर मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ सर। आप अकेले ही हैं? अच्छा, पूरी गैंग है आपकी? गैंग नहीं सर, मैं अकेले स्टार्ट किया, वो तो रिसेंटली मेरे साथ है। कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पे हिमाचल में? कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज आ जाओ, छोड़े आ जाओ आप। कहाँ के? पश्चिम बंगाल। अरे पश्चिम बंगाल। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखते रहना, बस अभी साजी से बात करके आगे निकल जाऊंगा। तो मेरा दोस्त, अभी शाम का 5 बज रहे हैं और हमारा टेंट भी लगा दिया है यहाँ पे, और इधर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पीछे पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे नहा धोना सब कुछ इधर ही कर लूंगा। और यहाँ पे एक टेंट लगाया मेरा, और अभी चंपक इधर लगाएगा टेंट। तो भाई जी, जहाँ पे टेंट लगाया थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरा टेंट, और इस तरह पे चंपक भाई का टेंट, और देखो चंपक भाई ज्यादा खाने के लिए उनका पास है, एकदम टेंट का पास ही खाना पकाना शुरू कर दिया। अभी कितना क्या बना रहे हैं भाई बता दे। भिंडी का सब्जी बन रहा है क्या आज? अच्छा देखो हमारा खाना बन रहा है। तो चले गए, हमारा सब्जी भी बनकर रेडी हो चुका है, और सब्जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आज, कसम से खा के मजा आ जाएगा देख के, मतलब इतना मजा आ रहा है अभी। तो आज का ब्लॉग भी इधर ही खत्म करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं कल। तो चलिए, गुड नाइट गाइज़।